कानपुर में जुनैद नाम के एक मुस्लिम शख्स की हिंदू धर्म में आस्था के चलते उससे धमकियां मिल रही हैं। शादी के बाद ये बात जुनैद की पत्नी और ससुराल वालों को इतना नागवार गुजरी कि पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। अब जुनैद का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ससुराल वाले उसे धमकी दे रहे हैं कि वो हिंदू धर्म मानना और पूजा पाठ छोड़ दे, नहीं तो वो उसे जान से मार देंगे। शख्स ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। दरअसल कानपुर के बाबूपुरवा थाना इलाके में रहने वाले जुनैद नाम के एक शख्स ने अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया। जुनैद का कहना है कि जब वो छोटे थे तो उनकी एक आंख खराब थी। उनकी माँ उन्हें शोभन सरकार ले गई। उन्होंने वहाँ का प्रसाद खाया और उनकी आँखें पूरी तरह से ठीक हो गयी। तब से वो सनातन धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में उनकी आस्था बढ़ती चली गई। जुनैद गेरवा रंग पहनते हैं और रोज मंदिर जाते हैं। इसके साथ ही वो सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जुनैद के घर में गणेश जी की मूर्ति भी है जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं। जुनैद के मुताबिक उनकी शादी बिनकी के कुटा गांव की रहने वाली अफरोजा के साथ हुई थी, तभी से उनके परिवार वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। जुनैद ने बताया कि उनके ससुराल वाले उन्हें मारने की धमकियां दे रहे हैं। एक बार उनके साले ने उनकी माँ को करंट भी लगाया था जो जुनैद के साथ ही रहती है। हिंदू धर्म अपना चुके जुनैद ने इन सभी चीजों से तंग आकर प्रार्थना पत्र दिया है। जुनैद का कहना है कि हिंदुस्तान में रहकर भी हम लोग सनातन धर्म की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। जुनैद ने ससुरालियों की प्रताड़ना से परेशान होकर बीते 9 फरवरी 2023 को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। अब एक बार फिर उन्होंने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। जुनैद ने बीते 8 जून को बाबूपुरवा कोतवाली में तहरीर दी थी। बाबूपुरवा पुलिस ने जुनैद की तहरीर पर आईपीसी की धारा 298, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।